सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको, थैंक यू आपने कॉल हमारा आपके शो में इनवाइट करा उसके लिए, थैंक यू सो मच जी। और अभी मैम मैंने सुजलोन एनर्जी की मेरे पास 50,000 शेयर है जो कि 4 रुपए की खरीदी का है, और एक टाटा टेली का शेयर है जो कि मेरा 7 रुपए की खरीदी है 20,000 शेयर। तो मैं इसको लॉन्ग टाइम 2 साल दे सकता हूँ, तो क्या बेचना सही रहेगा या फिर होल्ड कर सकता हूँ? चलिए, सुजलॉन टाटा टेली पर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे साथ स्नेहा से जुड़ी हुई हैं, और स्नेहा झटपट दोनों ही पर इनको बता दीजिए क्या करना चाहिए, और मुनाफा बांधकर निकल जाएं, कहीं और खरीदारी करें। ये ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दोनों भी काउंटर्स जो उन्होंने बाय किए हैं, पहला काउंटर जो टाटा टेली बाय करे आपने, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है वो, तो आई वुड से करके कि आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो बेटर रहेगा। मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो आई वुड से करके कि अभी के लिए जिस तरह के प्रॉफिट्स है प्रॉफिट बुक कर ले तो बेटर रहेगा, दैट वुड बी सजेशन। और उसके अलावा जो सुजलॉन आपका काउंटर है वहां पर मेरा ज्यादा कोई व्यू नहीं है, मुझे लग रहा है करके कि बेटर रहेगा करके कि आप एग्जिट ही कर लें। बट ओवरऑल इसमें ज्यादा चार्ट स्ट्रक्चर्स में मुझे ऐसा कुछ ज्यादा इनकरेजिंग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये राय आपके स्टॉक पर जो है फिलहाल, चूंकि आप अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हुए हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप ये मुनाफा बांध लें।